हेलो जी, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू निजेट्सु। गाइस कैसे हो सारे? आई होप आप सब बढ़िया हो गए हमेशा की तरह। सो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग करेंगे कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, हम स्नैपचैट ऐप को ओपन करके इस प्लस आइकन पर क्लिक कर देना है और हमें अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। सो इस टाइप की कुछ हमारी फ़ोटो है। सो हमें क्या करना है, इस राइट साइड वाले पेन वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। सो गाइस, राइट साइड वाले विंटेज वाला आइकन पे हमें क्लिक कर देना है और इस मिडिल वाला आइकन पे हमें क्लिक कर देंगे और इसकी सैचुरेशन को हमें माइनस कर लेना है और स्टाइल स्ट्रेंथ को भी हम थोड़ी सी इंक्रीज करके इसे हम डन कर देंगे और राइट साइड वाले एडिट हिस्ट्री वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे और व्यू एडिट्स वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है और विंटेज वाले आइकन पे क्लिक करके हम इस मिडिल वाले ब्रश आइकन पे क्लिक कर देंगे और लेफ्ट साइड वाले इस वाले आइकन पे क्लिक करके हम इस इफ़ेक्ट को अपनी बॉडी पर से इरेज कर लेना है। सो गाइस, इरेज कर लेने के बाद हमें इसे सिंपली डन कर देना है और बैक वाले आइकन पे हमें क्लिक कर देना है और पेन वाले आइकन पे हमें क्लिक करना है और इस बार हम जाएंगे डबल एक्सपोजर वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे और लेफ्ट साइड वाले ऐड इमेज वाले आइकन पे क्लिक करके हमें अपनी बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है और इस टाइप से हम कुछ एडजस्ट कर लेंगे और कर लेने के बाद हम मिडिल वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे और सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है और कर लेने के बाद हमें इसे डन कर देना है। सो राइट साइड वाले एडिट हिस्ट्री वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और व्यू एडिट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और इस बार हम डबल एक्सपोजर वाले आइकन पे क्लिक करके हम मिडिल वाले इस आइकन को क्लिक कर देंगे और लेफ्ट साइड वाले इस आइकन को क्लिक करके हम इस इफ़ेक्ट को भी अपनी बॉडी पर से इरेज कर लेना है। सो गाइस, इरेज कर लेने के बाद हमें इसे डन कर देना है और बैक वाले एस वाले आइकन पे हमें क्लिक कर देना है। सो अब हमें जाना है पेन वाले आइकन पे, हम अगेन क्लिक कर देंगे और इस बार हम जाएंगे कर्व वाले टूल पर और लेफ्ट साइड वाले एस वाले आइकन पे क्लिक करके हम ग्रीन वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेंगे और कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे और कर लेने के बाद हमें इसे डन कर देना है। सो गाइस, कर लेने के बाद हम जाएंगे राइट साइड वाले एडिट हिस्ट्री वाले आइकन पे और व्यू एडिट्स में हम क्लिक कर देंगे और कर वाले आइकन पे हमें क्लिक करके हम मिडिल वाले आइकन पे हम क्लिक कर देंगे और कर्व को हम कुछ इस टाइप से इंक्रीज कर देंगे और हमें कुछ इस टाइप से ब्रश कर लेना है। सो गाइस, ब्रश कर लेने के बाद हम इसे भी डन कर देंगे और बैक वाले आइकन पे हम क्लिक कर देंगे और पेन वाले आइकन पे हम अगेन क्लिक कर देना है और इस बार हम जाएंगे डबल एक्सपोजर वाले आइकन पे और लेफ्ट साइड वाले ऐड इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और इस बार हमें लाइट को ऐड कर लेना है। सो मिडिल वाले आइकन पे क्लिक करके हमें इसे लाइटन वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। कर लेने के बाद हमें इसे डन कर देना है। सो गाइस, अब हमें राइट साइड वाले एडिट हिस्ट्री वाले आइकन पे क्लिक कर देना है और व्यू एडिट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और डबल एक्सपोजर वाले आइकन पे क्लिक करके मिडिल वाले ब्रश आइकन पे हम क्लिक कर देंगे और लेफ्ट साइड वाले एस वाले बटन को हम क्लिक कर देंगे और हमें कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना है। सो गाइस, कर लेने के बाद हम जूम इन करके इसे अच्छी तरीके से इरेज कर लेंगे। सो गाइस, इरेज कर लेने के बाद हमें इसे डन कर देना है और बैक वाले इस वाले आइकन पे हम क्लिक कर देंगे। सो
सो एडिट हो चुका है, सो सेव कर लेंगे राइट साइड वाले इस आइकन को क्लिक करके, और सेकंड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे।